हेलो दोस्तों, मेरा नाम है घनश्याम तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टाटा स्काई से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी डीटीएच में अभी ट्रायल का जो नया नियम लागू हुआ है उसके अनुसार आप सभी को अपना नया पैक खुद का सिलेक्ट करना होता है। आपको नया पैक सिलेक्शन करना होता है तभी आप चैनल देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप कई लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, कई लोगों को कई तरह की परेशानियाँ आ रही है कि किस तरह से मैं पैक सिलेक्ट करूँ, कौन सा चैनल सिलेक्ट करूँ, कौन सा डीएक्टिवेट करूँ, कौन सा एक्टिवेट करूँ। वो दुकानदार के पास जाता है, रिचार्ज का जो करता है उनके पास जाता है, भाई मेरा ये पैक को एक्टिवेट कर दीजिए, तो इस पैक को मेरी डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो टाटा स्काई के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के वो लोग बात करते हैं कि सर मेरे इस पैक को मेरे चैनल पे ऐड कर दीजिए, इस चैनल को मेरे चैनल से हटा दीजिए। इस तरह की आपको परेशानी झेलनी पड़ रही होगी, आपको कई लोगों को इस तरह की परेशानी देखने को मिल रहा होगा। तो फिर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बड़ी ही आसानी से सिंपल तरीके से कम बजट में आप अच्छे अच्छे चैनल का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से चुटकियों में। तो फिर इसे किस तरह से करना है, ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक है टाटा स्काई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, या एक टाटा स्काई की जो एक अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन है टाटा स्काई ऐप, जो आपको गूगल प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे किस तरह से करना है, कौन सा पैक आप सिलेक्ट करें, कौन सा पैक को किस तरह से सिलेक्ट करना है, किसे एक्टिवेट करना है, किसे डीएक्टिवेट करना है, किस तरह का फैमिली पैक ऐड करना है, किस तरह का हैप्पी इंडिया पैक ऐड करना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एकदम सरल शब्दों में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरा भी मिस मत करिएगा, जरा हालांकि वीडियो जरा लंबा हो जाएगा, पर वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस किस तरह से करना है, इस सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अब अपने एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के में आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप अपने ब्राउज़र के गूगल पे सर्च करिए tataskai.com। इस तरह से सर्च कर लीजिए tataskai.com। जैसे ही लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ डेस्कटॉप मोड में इसे ऑन कर लीजिए। उसके लिए आप यहाँ 3 लाइन पर क्लिक कीजिए। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप फिर उसके बाद यहाँ आपको एक फ़ोटो का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ लॉग इन करने का आपका सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लॉगिन दो तरीके से कर सकते हैं, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालकर या सब्सक्राइबर आईडी डालकर। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर आईडी याद रखना उतना मुश्किल होता है, सभी को बहुत मुश्किल होता है। तो और बहुत सरल आसान तरीका है मोबाइल नंबर डालना, जो आपका टाटा स्काई में रजिस्टर है। तो चलिए मैं फटाफट अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ डाल देता हूँ। इस तरह से आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्लिक टू सेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इस आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है टाटा स्काई पे, जो नंबर आपका रजिस्टर, उस पर एक OTP आ गया इस तरह से, उसे कॉपी कर लीजिए और उस OTP को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो आपका पूरी तरह से आपका चैनल ओपन हो जाएगा, आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा चैनल ओपन होकर आ चुका है। मेरा आईडी, मेरा नाम यहाँ आपको शो हो रहा होगा, देख सकते हैं घनश्याम धीवर। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो बैलेंस चेक करने के लिए आप यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिए, बैलेंस चार्ज पे। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे फिर नीचे करिए, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, अभी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपको नेक्स्ट रिचार्ज कितने तारीख को करना है वो आप देख सकते हैं, आपका मंथली रिचार्ज वैल्यू कितना का पड़ रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं, कि मुझे पर मंथ कितना का रिचार्ज करना है वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। अब रही ये बात, और अगर फ्रेंड्स, अगर आप अपने चैनल को पूरी तरह से डीएक्टिवेट करके, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब पूरी तरह से सभी चैनल को हटा कर फिर से न्यू चैनल एक करके आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक हेयर पर यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देख सकते हैं, डोंट लाइक योर करेंट सब्सक्राइबर पैक, प्लीज क्लिक हेयर टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड स्टार्ट अफ्रेश न्यू
तरीके से आप फिर से क्रिएट कर सकते हैं। तो उतना नहीं करना है फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं, योर पेज पे, तो यहाँ आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको देखने मिलता है, पहले आपको बैलेंस डिटेल उसी तरह दिखा दिया जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल को यहाँ दिखा रहा है कि मेरे चैनल में कौन कौन से चैनल ऐड है, उसके कितने कितने पैसे लग रहे हैं, आप यहाँ सारा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, टाटा स्काई के नियम अनुसार सभी को 0 से लेकर 100 चैनल्स आपको 153 रुपये में सभी को मिलेंगे। ये कंपलसरी है, सभी को लगेगा ही 153 रुपये देना है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक टाटा स्काई फ्री वाले चैनल सभी को प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा आप चैनल लेते हैं तो उसके पैसे पे करने पड़ेंगे आपको। तो 0 से लेकर 100 तक 100 चैनल आपको फ्री में देखने को मिलता है, जिसमें अच्छे अच्छे पिक्चर चैनल भी है जो टाटा स्काई फ्री में देता है 153 रुपये में। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चैनल आपको ऐड करना है तो उसके पैसे लगेंगे। तो आप यहां से अपना इस तरह से स्टेटस देख सकते हैं कि किस किस चैनल को आप ऐड किए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप कोई चैनल को हटाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आज तक न्यूज़ चैनल जो है 89 पैसे का मैंने सिलेक्ट किया, मान लीजिए अब मुझे इस चैनल को नहीं देखना है, इसे हटाना है, तो यहाँ पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का ये सो मोर पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आ गया। अब यहाँ से मुझे आज तक का ये देखिए टिक लगा हुआ, बस इसे टिक को अनटिक करूँगा। और यहाँ जैसे अनटिक करने के बाद सिलेक्ट टू प्रोसेट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा चैनल हट जाएगा, पर मुझे इसे नहीं हटाना है इसलिए मैं इसे नहीं हटाऊँगा और इसे सिलेक्ट टू प्रोसेट पे कर देता हूँ, इसे मुझे नहीं हटाना है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आप पैक किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है देखिए मैं बता रहा हूँ। इस तरह से कंफर्म कर देते, चलिए सो फ्रेंड्स आप चैनल सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ मॉडिफाई पैक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मॉडिफाई पैक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। जैसे ही आप नीचे करते हैं तो करंट पैक में यहाँ आपको वो चैनल्स दिखाएंगे जो अभी आपके चैनल पे, आपके टाटा स्काई चैनल पे ऐड है, आपके टाटा स्काई पैक पे ऐड है, वो सारे चैनल यहाँ पे आपको शो करेंगे जो अभी तक आपके आप देख रहे हैं, जिसके आप अभी तक पैसे दे रहे हैं, वो यहाँ पे शो करेगा। अब उसके बाद किसी को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, यहाँ टिक है तो अनटिक करके हटा सकते हैं। और अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाटा स्काई पैक दिख रहा है, तो टाटा स्काई ये पैक है फ्रेंड्स जो टाटा स्काई आपको प्रोवाइड करता है ब्रॉडकास्ट पे। तो ब्रॉडकास्ट इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको जो जितने के जितने जैसे हैप्पी इंडिया पैक, फैमिली पैक, वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डिस्कवरी पे जैसे क्लिक करते हैं तो डिस्कवरी में देखिए डिस्कवरी बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पैक मिल जाएगा 9.44 रुपये के। डिस्कवरी बेसिक इन्फॉर्मेशन HD में मिलेगा आपको 11.80 रुपये में। और यहाँ डिस्कवरी बेसिक इन्फॉर्मेशन तामिल लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको 9.44 रुपये में। तो आप अपने मनपसंद के हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डिस्कवरी बेसिक इन्फॉर्मेशन पैक में 9.44 रुपये में कौन कौन सा चैनल मिल रहा है, तो आपको यहाँ आई की छोटा सा गोल सा आपको आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है इस तरह से। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा देगा कि 9.44 रुपये में आपको क्या क्या बेसिक डिस्कवरी का बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल मिल रहा है, जिसमें हिंदी इंटरटेनमेंट का एक चैनल मिलेगा जी प्राइम। स्पोर्ट पे क्लिक करते हैं तो स्पोर्ट में एक मिलेगा ये वाला, किड्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें किड्स का एक चैनल मिल जा रहा है, और नॉलेज एंड लाइफस्टाइल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको इतना सारा चैनल मिल जाता है। एनिमल प्लेनेट मिल रहा है, डिस्कवरी चैनल मिल रहा है, इस तरह का आप डिस्कवरी का पैक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्कवरी का फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर डिज्नी का कोई पैक लेना चाहते हैं तो भी आप डिज्नी का भी यहाँ से इस तरह से पैक ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए डिज्नी किड्स, तो डिज्नी किड्स आप लेना चाहते हैं 14.16 रुपये में, तो इसमें कौन कौन से कितने चैनल मिल रहे हैं वो यहाँ आप इस तरह से क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं। किड्स में आपको 4 चैनल मिल रहे हैं डिज्नी की ओर से, तो इसे चलिए मैं कट कर देता हूँ। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सारा देख सकते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर पे राष्ट्रपति सोनी का अगर पैक लेना चाहते हैं तो सोनी में आप जानते हैं सोनी का कई चैनल है, न्यूज़ चैनल है, मूवी चैनल है, सॉन्ग चैनल है। जैसे चलिए सोनी हैप्पी इंडिया ए पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ देख सकते हैं हिंदी एंटरटेनमेंट में 3 चैनल, हिंदी मूवी पे आपको मिल जा रहे 3 चैनल, और म्यूजिक का आपको मिल जा रहा है 1 चैनल। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो यहाँ टोटल 7 चैनल आपको मिल रहा है 36.58 रुपये में।
इस तरह से आप देख सकते हैं बंगला लैंग्वेज में है तो बंगला में भी ले सकते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। स्टार का भी है, सन का भी है, इस तरह से आप ले सकते हैं। जी का भी फैमिली पैक है, देख सकते हैं जी का भी एक पैक है, इस तरह से ले सकते हैं। तो उसके बाद अब अगर आप एक एक चैनल लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई ज़्यादा चैनल देखने वाला नहीं है, घर में मान लीजिए आपके कोई एक आप न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं, दो तीन मूवी चैनल देखना चाहते हैं और आप एक दो कार्टून चैनल देखना चाहते हैं और WWE वाला 10-1 स्पोर्ट चैनल आप देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका काफ़ी कम बिल बनने वाला। तो उसके लिए आपको चैनल पर क्लिक करना है, तो इस तरह से आप चैनल पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा इस तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हैं NTB आपको 14.16 रुपये पड़ेंगे पर मंथ, NTB HD में इतना पड़ेंगे आपको, फिर जाके एंड पिक्चर आपको पड़ेगा 7.08 रुपये में। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे स्क्रॉल करके देखते जाइए, ऐड करते जाइए। एक दो न्यूज़ चैनल आप ऐड कर सकते हैं, सारा न्यूज़ चैनल तो फ्रेंड्स आप नहीं देखेंगे, कोई नहीं देख पाएगा तो सारा न्यूज़ चैनल भी कई सारे हैं। तो आप अपने अनुसार अपने एरिया के एक चैनल, अपने देश के एक चैनल, मतलब अपने राज्य के एक चैनल और एक इंडिया का न्यूज़ वाला चैनल आप ऐड कर सकते हैं, इस तरह से ऐड कर लीजिए। एक दो कार्टून चैनल ऐड कर सकते हैं, आपको सारा चैनल यहाँ देख सकते हैं। और जो जो आप 0 रुपये में आप देख सकते हैं, ए टाटा स्काई की तरफ से जो आपको 153 रुपये में 0 से 100 चैनल मिलते हैं वो सारे हैं, जिसे आप चाहे तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, या आप नहीं देखना चाहते तो नहीं ऐड कर सकते। तो मैं कहूँगा जब 0 रुपीज़ में आपको मिल रहा है तो क्यों ना ऐड किया जाए, तो ये सबको सारा को ऐड कर लीजिए, मैंने भी ऐड कर रखा है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, आप एक एक चैनल को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आपको देखिए, आप जैसे देख सकते हैं बी फॉर यू मूवीज, जिसमें आपको मूवी वाला खाली मूवी में इसमें देखने को मिल जाता है, पिक्चर देखने को मिलता है, ये चैनल बिल्कुल फ्री में दे रहा है टाटा का। इस तरह से आप अपने अनुसार एक एक को पसंद करके आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस चैनल को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, एक बाय एक आप देख सकते हैं। HBO का भी आपको चैनल मिल जाता है, आपको उसके बगल में ठीक राइट साइड में आपको सभी के प्राइस देखने को मिल जाएगा। 4 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 8 रुपये है, कोई 1 रुपये है, और जो बड़े बड़े चैनल है वो 22 रुपये में है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप अपने पसंद के अनुसार से आप चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एक आप देख के बहुत चैनल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, आप अपने अनुसार यहाँ से इस तरह से चैनल ऐड कर लीजिए। जूम का चैनल मिल जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं जी तमिल, जी सिनेमा, जी टीवी, इस तरह से आप। तो जी का तो फ्रेंड्स कई सारे चैनल है, तो मैं कहूँगा तो जी का आप पैक ले सकते हैं जो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। जो सिंगल चैनल, जिनका ज़्यादा चैनल नहीं, उसको आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोनी का तो फ्रेंड्स सभी जानते हैं, सोनी का भी कई चैनल है, मूवी चैनल है, सॉन्ग चैनल है, तो इस तरह का सोनी का स्टार का होगी, स्टार का न्यूज़ चैनल है, स्टार का मूवी चैनल है, तो वो सबका आप पैक लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, और अगर एक एक लेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी सिलेक्ट करने के बाद आपको बस यहाँ सिलेक्ट टू प्रोसेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सिलेक्ट टू प्रोसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपको टोटल फिर यहाँ आपको देखने को टोटल मिल जाएगा कि आपका कितना का बिल बना है। तो यहाँ बिल देखने के लिए आप यहाँ व्यू पे क्लिक कीजिए, व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फिर टोटल दिखा देगा कि आपका कितना बिल बना है। फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कितने सारे चैनल अभी तक ऐड किए हैं, उसके लिए आपको इस यहाँ योर पैक में व्यू पे जाना है। योर पैक में व्यू पे जाने के बाद यहाँ आपका अकाउंट डिटेल्स बता देगा, और यहाँ पे आपको करंटली सब्सक्राइब पैक यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने कितने सारे चैनल ऐड किए हैं जिसके इतने पैसे हुए। आप एक एक आराम से बैठ के कैलकुलेटर पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ आपको जितने भी आप चैनल सिलेक्ट किए होंगे सारा आपका यहाँ बिल बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा अपने चैनल पे ऐड नहीं किया, मैंने कुछ 3-4 मूवी चैनल ऐड किए हैं। अब मैं WWE देखता हूँ, उसके शौकीन हूँ तो ऐड किया है। घर में बच्चे हैं एक, तो उनके लिए 2 कार्टून चैनल ऐड किए हैं और डिस्कवरी चैनल ऐड किए हैं। तो आप भी इस तरह से अपने मनपसंद के अनुसार उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, और अपने तरीके से जितना आप कम से कम हो आप बिल बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा मंथली रिचार्ज 233 रुपये का, मैं क्योंकि मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, मूवी शो के ऐड किया, नेट जियो वर्ल्ड ऐड किया है, एक दो पिक्चर का चैनल ऐड किया, डिस्कवरी चैनल ऐड किया, कार्टून चैनल ऐड किया, बस मैंने ज़्यादा नहीं, न्यूज़ का सिर्फ एक ही चैनल मैंने ऐड किया है। आप यहाँ देख सकते हैं आज तक जो 89 पैसे का है। तो इस तरह से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से जब भी मन करे आप कोई भी चैनल ऐड कीजिए, डीएक्टिवेट कीजिए, एक्टिवेट करिए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप सारा काम अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मैं अच्छी तरीके से समझा पाया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे कार नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।